अभी बज रहे हैं करीब सुबह के 10 और आज है ट्यूसडे। और ये देखो मेरे हाथ में है कुछ बनाना और कुछ मंदिर में ले जाने के लिए सामग्री है। और आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव के मंदिर में। वो देखो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सामने मेरे गांव का मंदिर है। और अब हम यहाँ से होते हुए जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियोस में बोला था कि मैं आपको मेरे गांव का मंदिर दिखाऊंगा, तो आज मैं आपको मेरे गांव का वही मंदिर दिखाने वाला हूँ जिसमें कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं और कितना खूबसूरत मेरे गांव का मंदिर है। छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत है और उसके अंदर छोटी छोटी बहुत खूबसूरत खूबसूरत भगवान की मूर्तियाँ भी रखी हुई है। तो अब हम चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको गाँव का मंदिर। ये देखो दोस्तों ये खेत हैं और खेतों में अभी बुआई चल रही है, बाजरे की बुआई। और ये है गाँव का सबसे पुराना कुआँ, अभी तो इसमें कुछ पानी वानी नहीं है और इसके अंदर पानी भरता था पहले, गांव के पूरे गांव में यहीं से सप्लाई होता था पानी। देखो कहां कहां से निकल के जाना पड़ता है क्योंकि चारों तरफ तार लगा रखे हैं जानवरों से बचाने के लिए, जो जंगली जानवर होते हैं बाहर के उनसे बचाने के लिए। और ये देखो दोस्तों सामने दिख रहा होगा आपको, अभी बाजरे की बुआई चल रही है क्योंकि गाँव में कल आपको पता है वीडियो दिखाया था मैंने, कल गाँव में बारिश हुई है अच्छी खासी, तो ये अभी बुआई चल रही है। इस तरफ देखो बुआई चल रही है और काफ़ी सारे खेतों में जो है बुआई हो। दोस्तों ये है मेरे गांव का मंदिर, आप देख रहे होंगे ये जिस गांव का मंदिर है। और अभी हम गांव के मंदिर के पास में आ गए, मैं अंदर चल के गांव का मंदिर दिखा दिया है और आपने देख लिया होगा कि मेरा गांव का मंदिर है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है। और इसके अंदर पुजारी है वो भी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। और मैं यहां पे हर ट्यूसडे को आता हूं क्योंकि मेरा जो है मेरा हनुमान जी के साथ बहुत लगाव है, तो मैं हर ट्यूसडे को यहाँ पर आता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे घर पर, ये देखो मेरा घर यहाँ से पास में ही है, ये जस्ट मेरा घर है यहाँ पे पास में मंदिर के जस्ट पास में। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे और अभी मुझे जाना है मेरी दीदी के घर पे, तो हो सकता है मैं आपको मेरी दीदी का घर दिखाऊँ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।